अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं हयात बैटरी एंड को में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कराची में काफ़ी लोड शेडिंग चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मगर सोलर भी कब तक आपका साथ दे, 4 से 5 बजे सोलर की लाइट भी बिल्कुल आप लोगों के पास ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप लोगों को बैकअप में बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम भी आए हैं हयात बैटरी एंड को में, और यहाँ पर आपको हर तरह की बैटरीज मिलेंगी। यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी भी है, ड्राई बैटरी भी है, और हर तरह की छोटी बड़ी बैटरी आप लोगों को मिल सकेंगी। 50 एम्पेयर से लेके 280 एम्पेयर तक की बैटरियाँ यहाँ पे दस्तियाब हैं, और आज हम यहाँ का रिव्यू करने आए हैं। बशीर भाई, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके पास कौन कौन सी बैटरीज हैं? मेरे पास एक साइड है, फिनिक्स है, ओसाका है, डेवो है। ये इसका मॉडल नंबर है TR 1500, और इसके एम्पेयर होते 145। की प्राइस 27,500 रुपये है। ये TA 1500 की, इस तरह ओसाका TA 1800, इसकी प्राइस 33,000 है। इस तरह TX 1800 है, इसकी प्राइस 35,500 है। 35,500 जी। ये 240 प्लस है, 27 प्लेट्स है, 180 एम्पीयर है, और 180 एम्पीयर है। व्यूअर, अगर आपने चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 180 एम्पीयर देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और इसका बैकअप टाइम जो है 20 आवर्स है। ओसाका प्लैटिनियम प्लस, इसमें कितनी प्लेट है इस टाइम लगी हुई है? ये 250 वाली जो है, ये भी 27 प्लेट से, और 12 वोल्ट 180 एम्पीयर है। 180 एम्पीयर, ये सब इस पे मेंशन होते हैं, सब पे। एजीएस है, वो भी 27 प्लेट है, 175 एम्पीयर है, मॉडल नंबर 200। इस तरह फिनिक्स है, वो भी 230 है एम्पीयर, 190 और 27 प्लेट है, सब कंपनियों की है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आते हैं, डेवो जो काफ़ी फेमस है गाड़ियों के हवाले से, और ये हमें डेवो की यहाँ पे बैटरियाँ नज़र आई, तो हमें ज़रा बताइए कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके मतलब? ये स्पोर्टेज में लगती है। आजकल जो न्यू गाड़ियाँ आई है, MG हो गया, स्पोर्टेज हो गया, ये उसमें लगती है। और ये ड्राई बैटरी हैं जी? जी, इसकी भी साल की गारंटी है। ये देखें, ये ड्राई बैटरी है, यहाँ पे डेवो की ड्राई बैटरी है। बशीर भाई, इसकी प्राइस कितनी है डेवो बैटरी? 18,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये जो नई न्यू गाड़ियाँ आई, MG हो गया, स्पोर्टेज हो गया, तो ये उनमें लगती हैं। बाकी गाड़ियों में जो लगती हैं वो भी हैं सब। इस तरह ये छोटी कार्स हो गई, आल्टो हो गई, कल्टस हो गई, मीरा हो गई, कोई भी कार, उसमें 50 लग जाती है, 55 लग जाती है। फिर उससे बड़ी करोला हो गई, उसमें 65 लगती है। सिविक हो गई, उसमें 65 लगती है। यानी सब बैटरियाँ हैं मेरे पास। बैटरी ख़रीदने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कौन सी बैटरी ख़रीदनी है और कितने एम्पेयर की बैटरी ख़रीदनी है। इसके लिए आप लोग को आना पड़ेगा एक एक्सपर्ट्स के पास। एम्पेयर की बात ये है कि लोग आते हैं, अपनी बैटरी ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद वो चले जाते हैं। टोटल उनका व्यू बैटरी के ऊपर होता है कि जी यही हमारा घर चलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपका एम्पेयर्स, चार्जर्स वगैरह जो है, वो आपने उसका केयर करना है, उसके तेज़ाब को चेक करना है, उसके पानी को चेक करना है, और आपने उस बैटरी को लेकर आपने लगा दिया घर पर, उसका उसको प्रॉपर चार्ज करना और उसको चार्जिंग से निकालना। उसका एक टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप उसको प्रॉपर चलाएंगे तो वो बैटरी शिकायत नहीं, कंप्लेंट नहीं आएगी। लोग यहाँ पे चार्जर ऑटोमेटिक काम नहीं करते क्योंकि उसकी वारंटी होती नहीं है, सस्ते चार्जर होते हैं। कोशिश ये क्या करें कि आप अपनी बैटरी को सही से चार्ज करें, और उसके बाद आप इसको जब देख लेंगे इसका टाइम ख़त्म हो गया, 2-3 घंटे का बिल्कुल डाउन होने वाली है, तो आप इसको रोक दें, स्टॉप कर दें। बिल्कुल फिनिश बैटरी इस टाइम ज़्यादा डिमांड है, और वाकई सबसे ज़्यादा चल रही है इस टाइम, और यहाँ टेक्नोलॉजी में और कंपनी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ये प्रेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये मलिर प्रेस क्लब के बिल्कुल करीब है, और काजाजम पार्क की लोकेशन भी, यानी कि अगर आप डाल देंगे तो बिल्कुल ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें।